बैक इन एसी क्लासेस। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के पार्ट थ्री पर बात कर रहे हैं। उसमें कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो दिए गए हैं, तीन चार प्रॉब्लम हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में रिसेंटली कई बार पूछे गए हैं, तो हम लोग उनको फोकस कर लेते हैं और कुछ उसी टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको और अदर बुक में मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दो से तीन क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में समझिएगा तो उसके बाद आपको की पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे कि करना क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 में आपको एक 19 नंबर क्वेश्चन है। 17-18 तक हम लोग इसके पहले वाले में देखे थे, 17 बनाए थे, 18 उसी टाइप का था। 19 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, और उस सर्कल जो है वो फिक्स एरिया का सर्कल है या फिक्स रेडियस कहिए, फिक्स सरकमफ्रेंस कहिए, फिक्स डायमीटर कहिए, मतलब सर्कल का जो रेफरेंस है वो आपको फिक्स दिया हुआ है और उसी के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, अंदर में है, और कह रहा है कि दिखाइए कि रेक्टेंगल का जब मैक्सिमम वॉल्यूम लिया जाएगा, मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल में वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम अगर होगा तो उस केस में वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि इनके चारों साइड इक्वल होंगे या दो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप के शेप से रिलेटेड, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि हम चाहे तो इसको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के द्वारा बना सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो एल्जेब्रिकली बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। हम ही एक मेथड से बनाए हुए हैं और दूसरे मेथड से आपको हिंट करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको आना चाहिए और दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जैसे इसमें हमने ऑप्ट किया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले मेथड को, तो हमने लिखा कि लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पहले तो एक शेप ऑफ शेप बना लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में वर्ड प्रॉब्लम आसान होता है। तो हमने एक सर्कल लिया, वो इसका सेंटर हो गया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बना दिए, यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल बना दिए, तो ये यहाँ से ये भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया, तो पूरा डायगोनल आपका 2R हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अब हम यहाँ पर कोई ना कोई एक वेरिएबल मानना है, हम लोगों को की पॉइंट याद है कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं तो उसमें आपको एक वेरिएबल में लाना है जिसका वैल्यू आप मैक्सिमम या मिनिमम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हमको रेक्टेंगल के एरिया से मतलब है और वो मैक्सिमम दिया हुआ है कंडीशन, और उसी के आधार पर हमको दिखाना है कि ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। और कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, तो जब उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, यानी ये और ये साइड इक्वल हो जाए, चाहे ये और ये इक्वल हो जाए, चाहे ये और ये, बात एक ही है। तो अब उन साइड से रिलेटेड आप चाहें तो ए बी को एक्स मान लीजिए, तो ये साइड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2R द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तब ए इंटू बी से बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह से जाने पर हमको थोड़ा रूट निकालना पड़ेगा, रूट में लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो हम उसको एवॉइड कर देते हैं, रूट से नहीं जाते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रूट से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2R हो जाएगा, इसको x लीजिएगा तो ये वाला साइड हो जाएगा रूट अंडर 4R स्क्वायर, मीन्स 2R का द होल स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ R आपका कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो x के आधार पर आपका वो भी बन जाएगा। तो यहाँ हमने किया कि इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, अब ये एंगल जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा, इसका शेप बढ़ेगा घटेगा, अगर ऐसे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, ऐसे घटेगा तो एंगल घटेगा, तो हमने सी ए बी एंगल सी ए बी को थीटा मान लिए, और जब थीटा मान लिए तो ए सी तो हमारा ए आर और ए आर, तो पूरा 2R हो गया,
अब ए बी और बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी बी सी का ही वैल्यू क्यों निकालना है, तो एल इंटू बी हमको चाहिए रेक्टेंगल के एरिया के लिए, तो ए सी इक्वस टू टू आर, ए बी इक्वस टू, अब कितना हो जाएगा। तो हमको याद है कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें अगर हमको कोई एक्यूट एंगल यहाँ दिया हो, तो इस एक्यूट एंगल के लिए अगर बेस निकालना है तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा है, और अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो वहाँ पर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो ए बी हमारा इस एंगल के लिए बेस होगा, तो ए बी का वैल्यू आ गया हाइपोटेनस यानी 2r इंटू कॉस थीटा, और बी सी कितना हुआ तो 2r, यहाँ r छुटा हुआ है, 2r इंटू साइन थीटा, 2r इंटू साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं 2r इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा, ए उसको मान लिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल्स टू हो गया ए बी इंटू बी सी, एल इंटू बी, तो ए बी का वैल्यू हो गया 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा, आर स्क्वायर तो आपका हो गया, एक 2 इधर रहने दिए और एक 2 रख लिए इधर, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा के बराबर, तो 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया, dA बाई dT निकालेंगे, d थीटा निकालेंगे तो 4r स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा हुआ, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और cos का माइनस साइन होता है, तो d2a बाई d थीटा 2 इक्वल्स टू हो गया माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। आप x में भी मानेंगे, इसको x मानेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद चाहे तो स्क्वायरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा आया ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रख करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो सेम वही चीज़, नाउ डी ए बाई डी थीटा इक्वल्स टू जीरो जब रखेंगे, किस लिए रख रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो कितना हम लेंगे 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा का वैल्यू आ गया जीरो, 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो डिवाइड कर जाएगा, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू जीरो हो गया, और कॉस 2 थीटा का वैल्यू जीरो हुआ तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू हमारा हो गया पाई बाई 4, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे, तो माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो डी 2a बाई डी थीटा 2a थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 4, 2 कटा दिए तो 2 और ये 4 कटा दिए तो 2 हो गया, तो साइन पाई बाई 2 हुआ, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 8r स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 8r स्क्वायर, और यहाँ चूंकि r आपका नंबर है साइज है तो पॉजिटिव होगा, 8 पॉजिटिव है तो माइनस लगाया तो ये हमारा पूरा टर्म आ गया निगेटिव, अब पूरा टर्म निगेटिव है तो ये जीरो से छोटा होगा, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई बाई 4 पर हमारा निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, और मैक्सिमम एरिया का केस आपको दिया हुआ है, उसके लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन मिला कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 होना चाहिए, और जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 होना चाहिए तो ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, ए बी का वैल्यू 2r cos थीटा है तो 2r cos पाई बाई 4 करेंगे, 2r इंटू 1 बाई रूट 2 कटा देंगे तो रूट 2r हो गया, अब बी सी का वैल्यू भी 2r इंटू साइन थीटा करेंगे तो 2r इंटू साइन थीटा के जगह पर पाई बाई 4 कटा दिए तो आपका ये भी हो गया रूट 2 थीटा रूट 2 इंटू आर। तो देखिए ए बी का वैल्यू आया हमारा रूट 2 इंटू आर, बी सी का वैल्यू भी आ गया रूट 2 इंटू आर, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी ए बी इक्वल्स टू हो गया बी सी, और ए बी बी सी क्या है, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, तो यहाँ लिख भी सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये भी काम हो गया, नहीं तो आप यहाँ एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी बट दे आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल देयरफॉर ए बी सी इज ए स्क्वायर, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे इसमें
तो उसमें बस कोशिश ये करना कि एक वेरिएबल में, चाहे वो थीटा में लाइए चाहे एक्स में, रूट वगैरह की बात जहाँ हो तो एवॉइड कीजिए एक्स को, थीटा में चले आइए, इजली आ जाता है, तो नहीं तो डायरेक्ट स्क्वायर से बनाइए। और इसके बाद एक दो और क्वेश्चन है, जैसे 23 नंबर थोड़ा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये आपको क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्फीयर है और उसके अंदर में एक कोन है, इंस्क्राइब्ड है कोन स्फीयर के द्वारा, और उसमें कह रहा है कि आपको दिखाना है कि कोन का जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो यह स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट है। तो अब इसमें भी सबसे पहले एक रफ आइडिया के लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक स्फीयर का सेक्शन हो गया, इसमें आपने ए बी सी एक कोन बना लिया और उस कोन का हाइट हमने लिया ए डी, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर रहेगा, वो आपका सेंटर है इस स्फीयर के लिए, ठीक है। रेडियस इधर इधर भी होगा, इस रेडियस को हमने एक्स मान लिया, ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है। क्यों ये ध्यान रखना है, यहाँ हमने लिखा है कि लेट द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर एक्स, तो एक्स ये क्या है बेसिकली, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा। कभी कभी वेरिएबल को भी हम लोग कांस्टेंट के रूप में ऐसे प्रॉब्लम में मानेंगे जिसका गिवन होगा, कितना गिवन है ये पता नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जा सकता है कभी कभी कि गिवन जैसे स्फीयर का वॉल्यूम कहा गया तो वहाँ पर दे देगा कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या 500 क्यूबिक मीटर, कुछ अपना कांस्टेंट वैल्यू दे भी सकता है। नहीं भी दिया हुआ है, आपको गिवन वर्ड दिया हुआ है कि गिवन है, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो उसका रेडियस भी नहीं चेंज होगा, तो हमने एक्स कांस्टेंट लिया है यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ द इंस्क्राइब कोन को भी हमने रिप्रेजेंट किया, हाइट ऑफ द कोन को एच मान लिए और रेडियस ऑफ द कोन को आर मान लिए। कोन का रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस एक्स कांस्टेंट, हाइट एच, वॉल्यूम जो है उसको भी मान लिए कोन के लिए। अब हमको भी का वैल्यू कितना मिलता है, तो कोन का निकालेंगे तो 1/3 πr² एच होगा। अच्छा भी कोन के लिए है, और स्फीयर का तो आपको पहले ही से पता है कि 4π/3 × r³ होता है, तो r यहाँ पर x है, तो कोन का स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4π x³/3। तो उन्होंने अब देखिए यहाँ पर इसमें कौन सा वेरिएबल है, तो जब ये कोन को बढ़ाएंगे घटाएंगे छोटा बड़ा होगा, तो जब हाइट ऊपर जाएगा तो रेडियस में कुछ चेंज होगा, हाइट नीचे आएगा तो रेडियस में कुछ चेंज होगा, यानी कोन के लिए उसका रेडियस और हाइट दोनों वेरिएबल होंगे। तो हमने लिया कि भी का कोन के लिए तो हो गया हमारा 1/3 πr², ये यहाँ लिख देते हैं फॉर कोन, ये कोन के लिए है। ओडी कितना होगा, तो ये पूरा हाइट को एच आप लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये कितना बचा है एच माइनस एक्स, तो ए डी माइनस ए ओ यानी एच माइनस एक्स हो गया, ओ सी स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होगा तो ये तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हमको चाहिए, तो ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ओ सी का वैल्यू कितना है, वो तो स्फीयर का रेडियस है जो आप कॉन्स्टेंट लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस डी सी का वैल्यू, यानी कोन का रेडियस आपने आर माना है, यहाँ हमने लिखा भी है कि ये डी सी का वैल्यू आर है। तो यहाँ ये देख लीजिएगा, तो प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो बचा कितना आर स्क्वायर, और ये दोनों एक साइड में आ जाएंगे तो कितना होगा, साइन बदल जाएगा, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 2xh − h². अब आर स्क्वायर जब निकल गया तो अब दिया हुआ है भी, तो भी कितना, भी इक्वल्स टू 1/3 πr² h। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर h निकाल दिया और उसके बाद डायरेक्ट वॉल्यूम पर चले गए, तो हमको पहले ही से रूल में याद है, रूल आप जान चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल का जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसका
फॉर्मूला आपको एक वेरिएबल में लाना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हम देख रहे थे तो R और H दो वेरिएबल थे, अब हमको इसको एक वेरिएबल में लाना है। तो या तो H को R के रूप में लाइए और नहीं तो R को H के रूप में लाइए। तो अगर H को हम R के रूप में लाते तो वहाँ पर हमारा जो टर्म होता वो स्क्वायर रूट में आता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता। और जैसे यहीं से आप अगर निकालते हैं R का वैल्यू, ये R माने हैं तो R के जगह पर H निकालते इसका, तो अब ये X होता और OD उसमें जोड़ना पड़ता तब आपका आता, तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाता। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि H का ही वैल्यू रिप्लेस कर दी, H के टर्म में रखे और R स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर दिए। तो R स्क्वायर का ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पर तो 1/3 पाई इंटू 2HX माइनस एक्स स्क्वायर इंटू H। तो अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया 1/3 पाई 2X एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब। अब X तो आपका कांस्टेंट है, ये माइंड में रखना है, ऐसा नहीं कि dy/dx आपको प्रैक्टिस में है तो X को वहाँ पर वेरिएबल ट्रीट कर लीजिए, नहीं यहाँ पर H वेरिएबल है क्योंकि X रेडियस है गिवन स्फीयर का। अब इसके बाद dv/dh करेंगे तो 1/3 डिफ्रेंशिएशन सीधा कीजिए तो 4XH माइनस 3H स्क्वायर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 1/3 पाई 4X माइनस 6H। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो के बराबर आएगा, सॉल्व करेंगे आप तो H इंटू 4X माइनस 3H इक्वल्स टू जीरो आया। तो सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू या तो जीरो आएगा और नहीं तो 4X/3 आएगा। तो H जीरो तो होगा नहीं क्योंकि हाइट जीरो होगा तो स्फीयर ख़त्म हो जाएगा, तो H जीरो नहीं है इसलिए H का वैल्यू हमको मिला 4X/3। और जब 4X/3 मिला तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए H का वैल्यू 4/3 1/3 पाई 4X माइनस 6 इंटू 4X/3। ये 3 से 6 को कटा दिए 2 आ गया तो 2 × 4 = 8 हुआ, 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 4 होगा। तो वैल्यू कितना आया ओवरऑल हमारा कि माइनस 4 पाई एक्स बाई 3। और चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है बाकी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये आपका ऑलरेडी निगेटिव आ गया, और जब ये निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल्स टू 4X/3। 4X/3 पर भी आपका मैक्सिमम आ गया, और जब 4X/3 पर मैक्सिमम आ गया तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। चूंकि हमको कंपेयर करना है इस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से, तो पहले हमारा एच मिल गया 4X/3, अब आर निकाल लीजिए। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आप पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर आया है आर स्क्वायर का वैल्यू 2X इंटू एच माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हो गया 2X इंटू एच मैंने 4X/3 माइनस 4X/3 का दो होल स्क्वायर तो 16X²/9। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8X²/9। तो अब कोण का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू ये 8X²/9 इंटू एच का वैल्यू 4X/3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 32 πx³/81। और हमको प्रूफ करने के लिए दे रहा है कि 8/27 होता है, आप देख लीजिए इसमें से 8/27 कॉमन निकाल देते हैं अगर तो 8/27 कॉमन निकाल देने पर कितना बचा है 4πx³ और बाई में नीचे बच गया आपका 81 में से 27 निकाल दें कॉमन तो 3 बच गया तो 4πx³/3 हो गया। तो ये कोण का वॉल्यूम हो गया और इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि 8/27 इंटू 4πx³/3 के जगह पर हम क्या लिख लेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोण निकल गया है तो अब आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोण बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो इक्वल्स टू आप वॉल्यूम ऑफ कोण का वैल्यू ये ऊपर रख दीजिए और नीचे में 4πx³ रख करके बाई 3 रख करके डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर भी आपका 21 आ जाएगा।
8 बाई 27 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कोन इक्वल्स टू 8 बाई 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बना। इसके बाद एक क्वेश्चन आगे आपको 25 नंबर हम बताते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। और ये दोनों क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं, सेमी वर्टिकल एंगल से रिलेटेड हैं। तो आइए एक देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। आइए तो 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट टू। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि स्लैंट हाइट, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन 26 नंबर है, तो दोनों एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है। अंतर क्या है कि इसमें हमको स्लैंट हाइट गिवन है एल, और दूसरे वाला जो 26 नंबर क्वेश्चन है तो वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया गिवन है तो पाई आर एल होता है, उसके आधार पर चलेंगे, और यहाँ डायरेक्ट एल से है तो जब एल से बना लेंगे तो पाई आर एल से उसी टाइप से आपको बनाना है, प्रोसीड करेंगे सेम वे में। तो हम लोग इसको देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग एक कोण बना लिए रफ डायग्राम, ओ ए बी ले लिए, और यहाँ पर एक हाइट दे दिए सी, यहाँ से इधर का और यहाँ से इधर का रेडियस हो जाएगा आपका, इसको हम आर लिख सकते हैं, ये हाइट आपका एच लिख सकते हैं, ये एल है, और यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल को आपने थीटा मान लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं कि लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट एल, ये गिवन है। इसके बाद देन एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा ये वाला है, यहाँ से ये रेडियस जो है या फिर ये जो है, तो रेडियस आर का वैल्यू जो दिया है यही आर है आपका एल साइन थीटा के बराबर, और ये हाइट एच कितने के बराबर हो जाएगा तो एल कोस थीटा के बराबर, करके आप यहाँ थीटा माने हैं तो ये भी तो थीटा है आपका, तो ये थीटा होगा तो दोनों थीटा बराबर है। तो उसके लिए आप लिख लेते हैं कि स्लैंट हाइट एल है तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू एच हो गया, और एच कितने के बराबर होगा तो एल कोस थीटा, और रेडियस ऑफ द बेस तो आर, इसको रेडियस को लिखेंगे तो आर कितना हो गया तो एल साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी हमने ट्रिगोनोमेट्री ऑप्ट किया है, आप चाहें तो वेरिएबल से भी बना सकते हैं, हाइट को एच ले लीजिए, इसको ले लीजिए, आर ले लीजिए, उसके बाद भी बनाइएगा एक वेरिएबल में चेंज करके, तो उसके बाद लेकिन फिर इसमें भी स्क्वायर वगैरह का चांसेस ज़्यादा होगा तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से बनाएं। तो अब भी निकालेंगे तो 1/3 कोण है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो आर का वैल्यू जब यहाँ लिखे हैं कि एल साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच का वैल्यू एल कोस थीटा हो गया। अब भी का वैल्यू कितना होगा तो 1/3 एल यहाँ भी है और यहाँ एल स्क्वायर है तो एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब भी जब आपका एक वेरिएबल में निकल गया, एल तो कांस्टेंट है तो अब थीटा बचा वेरिएबल, एक वेरिएबल में आ जाता है, पहला काम यही करना है कि आपको एक वेरिएबल में जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको निकालिए। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, यू इंटू वी के टर्म में है, आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल लीजिए। इसके बाद ये जो रिजल्ट आया इसमें आपको कॉमन ले चुके हैं साइन थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बचा। फिर इसको एक बार और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में निकालिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अब ये यू हो गया, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ये यू इंटू ये भी, तो एक बार यू का डिफ्रेंशिएशन इतना इंटू भी, और फिर प्लस 1/3 पाई आर एल क्यू, और एक बार फिर साइन थीटा यू, आ इसका निकालिएगा तो आपका ये आ गया। इसको देखिए जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि 1/3 पाई एल क्यूब, और ये हो गया आपका 2 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे इसको, और फिर इसके बाद ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिए, और इधर भी आपका 1/3 पाई एल क्यूब है,
और इन दोनों को जोड़े हैं तो 6 हुआ है, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद 1 बाई थ्री पाई एल क्यूब इक्वस टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो 1 बाई थ्री पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा इंटू, अब इसको कॉस क्यूब दोनों में से हम निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर बचा 7, तो एक कॉस तो निकाल चुके हैं तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होगा यानी टैन होगा। और टैन आप क्यों ले रहे हैं, तो टैन हम इसलिए ले रहे हैं कि हमको प्रूफ जो दिया गया है उसमें क्लू आपको दिया हुआ है कि ऑलरेडी टैन है, तो वहाँ पर आप कर लेंगे कि 7 टैन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या हुआ कि डी वी बाई डी थीटा, तो डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू जब जीरो लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप जीरो लेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 1 बाई थ्री पाई एल क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप भी लिखेंगे कि 1 बाई थ्री पाई एल क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जीरो आप डाल दिए तो 1 बाई थ्री तो डिवाइड हो गया खत्म। तो अब क्या बचा हमको, दो फैक्टर कि साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो या तो साइन थीटा जीरो होगा नहीं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जीरो होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो आपका थीटा का वैल्यू आएगा जीरो, और जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आप इसको इधर लेकर चले जाइए तो साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस में, या कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो टैन बचेगा यानी टैन स्क्वायर थीटा इक्व टू 2, तो टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट 2। लेकिन थीटा यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कोण है, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, तो जब कुछ एंगल बनाएगा जीरो करेंगे तो सीधा एक लाइन हो जाएगा वर्टिकल लाइन, तो कोण होगा ही नहीं, तो वहाँ पर आपका जीरो नहीं हो सकता। तो वही लिखे कि बट थीटा नॉट इक्वल टू जीरो हियर, तो देयरफोर अब कितना होगा आपका, ये फुल स्टॉप है, तो देयरफोर टैन थीटा का वैल्यू 2√2 आ गया। आज जब टैन थीटा का वैल्यू रूट 2 आया तो थीटा जहाँ जरूरत पड़ेगा आप टैन इनवर्स रूट 2 लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, तो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमको कॉस क्यूब भी आया है टैन भी आया है, तो टैन तो ठीक है लेकिन कॉस क्यूब का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, और कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अब हमको क्लू मिला हुआ है केवल टैन, तो टैन से हम सेक स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 2 यानी 3, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उलट सेक स्क्वायर है तो सेक थीटा हो जाएगा रूट 3, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3। तो अब लिखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यू इंटू में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको यहाँ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस 1/√3 है, इसका क्यूब करना है तो 1/√3 का क्यूब कर दिए इंटू 2 माइनस 7 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा 2 आया है ये वाला वैल्यू, तो 2 हम रख दिए तो 7 × 2 = 14, 2 हो गया तो यहाँ पर माइनस होगा तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर −12 आएगा, और 3 से कटा दीजिएगा तो −4, तो हमने लिख दिया −4 पाई एल क्यूब, और बाई में आपका √3 का पावर 3 करेंगे तो 3√3 हो गया, तो −4 पाई एल क्यूब √3। ओवरऑल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है, तो जब ओवरऑल निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा कब, तो जब टैन थीटा का वैल्यू √2 आएगा, और टैन थीटा का वैल्यू जब √2 आएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो टैन इनवर्स √2 होगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया कि इस केस में जब ये जब स्लैंट हाइट गिवेन हो तो कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, तो जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल यानी थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स √2 के बराबर होगा। और इसी तरीके से सरफेस एरिया पर जब आप बनाइएगा अगले क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपका साइन इनवर्स में आएगा,
वहाँ पर आपका आएगा साइन इन्वर्स 1/3 के रूप में आएगा, आप उसको भी ट्राई करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को। और बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये मेरा सजेशन है बोर्ड एस्पिरेंट के लिए कि अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा स्पेशली ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल, तो ये को इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम के लिए, और निश्चित रूप से इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आ जाए। अब इसके बाद एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इसके बाद वाले वीडियोज में हम लोग NCERT का सेकेंड वॉल्यूम शुरू करेंगे, जिसमें बेसिकली पहले इंटीग्रेशन है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर्स हैं। तो आप इंटीग्रेशन सीखने के लिए रेडी हो जाइए, और इंटीग्रेशन सीखने के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के 11th वाले फार्मूलों को रिवाइज कर लेना है, इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको रिवाइज कर लेना है, डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड वॉल्यूम को स्टार्ट करते हुए इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद 1/1 हम लोग स्टेप वाइज सीखेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ इसमें ये सुधार हो सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस चेंज को करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे फ्रेंड के रूप में, आप मेरे स्टूडेंट के रूप में, बेस्ट सजेस्ट एडवाइज़र के रूप में हमको सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ इसमें ये सुधार की ज़रूरत है। और नोटिफिकेशन को आप देखते रहिए, अपडेट होते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।